हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की जिंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो चलती हूँ ब्लॉग में, और आज ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, मेरी बेटी कल गई थी, कल था 1 जनवरी, तो आप सबको पता होगा, तो न्यू ईयर के दिन वो गई थी घूमने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, पूरी सारी लड़कियां गई थी साथ में, तो वहाँ के वीडियो बनाई है और हमारे साथ शेयर की है, और बोली है कि माँ आप अपने यूट्यूब फैमिली पर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आज आप सबके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए वो कहाँ कहाँ गई है, किस जगह गई है और वहाँ का कैसा कैसा सीन है। यहाँ हमारी बच्ची ट्रेन में बैठ गई है और गई सबको साथ में लेकर चलती हूँ, और मैं भी चलती हूँ। तो देखिए यहाँ सब आ गई हैं, इवन आप सब कमेंट में बताइएगा ये चीज़ आप सब देखे हैं या नहीं देखे हैं। ये पंचकूला से रास्ता है, पंचकूला होकर वो जाती है जहाँ है वहाँ से, और यहाँ पर बोल रही थी कि मम्मी बहुत लोग थे और मैं साइड से वीडियो बनाई, और दिखने में तो बहुत इतना अच्छा लग रहा था कि लग रहा था कि सचमुच का है, और दिखने से तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये बनाया हुआ है, लेकिन पर ये सब कुछ मिट्टी का है। ये मिट्टी जो होता है बहुत पुराने ज़माने का, यहाँ मिट्टी से बना हुआ पीक है, ये हाथ आपको दिख रहा है, और बहुत पुराना पुराना यहाँ पीक दिख रहा था, बहुत पुराने लोगों की यहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई थी, पीक भी बना हुआ था। देख सकते हैं कितनी यानी नीचे में है, और ऊँचाई आपको दिख सकते हैं ऊपर की ही पीक ली है, और पता नहीं यहाँ पर मनुष्य का पीक बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, कहीं कहीं मुंडी लगा हुआ है, कहीं कहीं हाथ का पीक बना हुआ है, कहीं कहीं घर है। और बोल रही थी कि देखकर तो गजीब से अंदर से फील होता है, बहुत खुशी सी लग रहा था। देखिए लग रहा है कि पानी है, पर ये पानी नहीं है, ये बनाया हुआ है और ये लकड़ी का बना हुआ है। अब देख सकते हैं दीवार जो है बिल्कुल ये पता ना मिट्टी का नहीं है, पर लगता है कि मिट्टी पत्थर है, लेकिन पत्थर भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, लकड़ी है, सब लकड़ी का ही ये बना हुआ लग रहा है। कि यहाँ देख सकते हैं आदमी जो है उसका भी चित्र बना हुआ है, यहाँ हाथ का चित्र बना हुआ है, और बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम माँ बाप की तो यही तो फर्ज होता है कि अपने बच्चे के मन से ही हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहाँ हमारे बच्चे होते हैं, जहाँ हमारे बच्चे की मन होता है वहीं तो हम बसते हैं। तो देखिए यहाँ कितना बड़ा मधुमक्खी दिख रहा है, तो वहाँ से निकल गई मधुमक्खी ही है, और पता ना आप सब क्या बोलते हैं इसको, मधुमक्खी या और कोई कीड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको मधुमक्खी बोलते हैं। कितना बड़ा दिख रहा है कि ये मिट्टी का ही है। देखिए अंदर में हिरण का आई, और देखिए यहाँ पर एक औरत है, लगता है ये औरत है बैठी हुई है, पता ना इन किस कौन सी औरत है। और देखिए नीचे में आपको दिख रहा है पत्थर पत्थर जैसा, और ये पानी जैसा, तो पानी नहीं है लेकिन पानी बनाया गया है, और यहाँ देखिए ऊपर में सब लकड़ी का लगा हुआ है। कितना सुंदर दिखने में लग रहा होगा, और रियल जाकर देखी होंगी तो उसको कितना अच्छा लग रहा होगा, हमको तो वीडियो में ही देख कर बहुत मन खुश हो गया। तो देखिए यहाँ हिरण बनाया गया है, ये हिरण लकड़ी का है, हिरण लकड़ी और मिट्टी दोनों चीज़ का ये बना हुआ है। तो यहाँ देखिए साइड साइड से लोग देख रहे हैं, और ये जो लगता है हमारे यहाँ बरगद बोलते हैं, तो बरगद का जो होता है रेशा जैसा वैसे है। देखिए यहाँ तितलियाँ लगी हुई हैं, और ये सब अंदर जा रहे हैं लोग। यहाँ देखिए बाघ है, देखिए कितना खूबसूरत बाघ दिख रहा है, या वो जो सिक्कड़ होता है, सिक्कड़ से बंधा हुआ है बाघ को, सचमुच देखने में बाघ जैसा लग रहा है। और देखिए उधर जो गेंडा बोलते हैं पानी में जो रहते हैं उसका पिक लगा हुआ है, और यहाँ देखिए हिरण, हमारे यहाँ हिरण बोलते हैं इसको, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा, हिरण बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। और देखिए छिपकीली है, पता ना कैसा कैसा चीज़ बनाया हुआ है दीवार पर, ये सब लगता है कि जो पत्थर होता है पत्थर की बना हुआ है। यहाँ की फर्श देखिए, यहाँ जो कचरा होता है तो कचरे के देखिए डालने के लिए यहाँ पर मेढक बनाया गया है, और देख सकते हैं कितना हरा भरा दिख रहा है, छोटा छोटा पौधा है। देखिए यहाँ जो डॉल्फिन मछली होती हैं कितना खूबसूरत दिख रही है, लगता है सचमुच ये छलांग ली है पानी से। देखिए पानी का कैसा रंग यहाँ दिख रहा है, पानी पर है नहीं, देखिए यहाँ हमारे यहाँ लगता है यहाँ भारत की नक्शा बना हुआ है। और जो ये हंस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हंस बोलते हैं, ये हंस हैं, हंसी तो कहा जाता है, और कोई और
बत्तख है या बत्तख है, हंस है और बत्तख है, दो चीज है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये जो लगता है लीलकंठ है, लीलकंठ इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर हिरन है, हिरन कितनी सुंदर सुंदर दिख रही हैं। ये पता ना मिट्टी का है या चीनी मिट्टी का है या लकड़ी का, नहीं लकड़ी का तो नहीं होगा, मिट्टी का है, मिट्टी का ही बना हुआ है। बनाने वाला कितना कारीगर अच्छा होगा और कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। देखिए हम इंसान क्या नहीं कर सकते हैं, इंसान का ही तो बनाया हुआ है, हमारे अंदर सब कुछ गुण है, पर अच्छे से हम इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समझने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कुछ नहीं। देखिए यहाँ कितना सुंदर सुंदर जानवर सब दिख रहे हैं, सब कुछ लगता है चीनी मिट्टी का है। देखिए यहाँ पर आप सब बताइए कमेंट में कि कौन कौन से यहाँ पर जानवर है, मैं नेम नहीं बताऊँगी, मैं जानती हूँ पर नहीं बताऊँगी, आप सब बताना ज़रूर कमेंट में। हमारी पूरी वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, लग रहा है कि आप सब वहाँ पर जाकर देख रहे हैं और मैं भी वहाँ देखकर खड़ी बड़ी वीडियो बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर बरगद बोलते हैं, बरगद का जो रेसा जैसा रस्सी रस्सी निकलता है वो है। देखिए यहाँ पर कालिया है, यानी कालिया नाग, जो नाग होता है, यहाँ बरगद की पेड़ में कालिया है। और यहाँ पर चेतावनी दिया गया है कि यहाँ पर रस्सी को न छुए, तो देख सकते हैं बरगद के पेड़ में कालिया है। और इधर देखिए ये दीवार पर बनाया गया है, ये दीवार पत्थर का ही दीवार है, और देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। हम वीडियो में इसे देख रहे हैं, रियल में कैसा लग रहा होगा, बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पर हमारी बच्ची गई थी, यहाँ देखिए बहुत पुराना ये मकान है, बहुत पुराना ये साल मकान है ये, और बाहर से ऐसा दिख रहा है, अंदर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर हरा भरा पेड़ दिख रहा है, और ये बहुत पहाड़ के ऊपर है, बहुत लंबा पहाड़ है, ये जो भी है पहाड़ पर है, ये हमारे जो समतल जमीन है, जमीन पर ये नहीं है, ये ऊपर पहाड़ पर है। बोली कि पहाड़ पर हम लोग 1 घंटे चले, गाड़ी से 1 घंटे चले तब जाकर ऊपर चढ़े थे पहाड़ पर, ये पहाड़ पर बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कैसा कैसा पेड़ भी लगा हुआ, पेड़ के ऊपर देखिए कोई जानवर का पीक लगा हुआ है, कोई जानवर तो है नहीं जिंदा, नहीं पीक ही है, लगता है कि बाघ है या शेर है, ऐसा ही है। देखिए बनाने वाले कितनी कारीगरी से बनाए हैं, और ये पहाड़ के ऊपर ऐसा हरा भरा पेड़ दिख रहा है जहाँ की मिट्टी नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, और पत्थर पर कैसे देखिए यहाँ पर पौधा दिख रहा है हरा भरा। और यहाँ देखिए जो अंदर में बैठी थी, तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर लग रहा है, देखने से ही अच्छा लग रहा है, जो रियल में गए होंगे उनको तो और सुंदर लग रहा होगा। तो बच्चे हैं हमारे तो बाहर निकले हैं, तो और जगह ऊपर वाला करेंगे तो और जगह जाएंगे, और माता पिता उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग भी देख लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।